हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपको स्वागत है हमारे चैनल मूवी काउंटडाउन में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द डॉक्टर के फाइनल एपिसोड के बारे में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यही जंग दिखाई जाती जहाँ पर हम देखते हैं शिवू की माँ उसको देख कर हैरान हो जाती है, जहाँ पर वो यही जंग से पूछने लगती है कि वो इस तरह हॉस्पिटल में क्या कर रही है और वो कैसे डॉक्टर बनी। तभी हम देखते हैं शिवू उसको रोकती और कहती ये मेरी दोस्त। फिर शिवू अपनी माँ से कहती मैं और डैड इस हॉस्पिटल में काम करते, अब यहाँ पर ये सब मत करिए। अगले सीन में हम देखते हैं किम तय जियांग को बुलाते हैं और वो शिवू की डैड की सर्जरी के रिकॉर्ड उसको दिखाते हैं, जहाँ पर किम तय बताते हैं कि शिवू के डैड के बैक साइड हेड में दो ट्यूमर है और उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं किम तय जियांग को शिवू के डैड के वॉल्ड में बुलाते और उससे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि शिवू के डैड की सर्जरी तुम करो, जहाँ पर हम देखते हैं शिवू के डैड डॉक्टर जियांग से सर्जरी कराने में घबरा रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने पिछले बार बहुत सारे काम किए होते और यहाँ पर वो शर्मिंदा भी होते हैं। काफी देर तक समझाने के बाद हम देखते हैं शिवू के डैड सर्जरी करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जियांग उसे कहते हैं अगर मैं आपकी सर्जरी करूँगा तो मेरी एक शर्त है, और जियांग उसे कहते हैं सर्जरी के दौरान मुझे असिस्ट करने वाली हेई जंग होगी। ये सुनने के बाद शिवू के डैड चुप हो जाते हैं। दूसरे सीन में हेई जंग दिखाई जाती है जहाँ पर हम देखते हैं हेई जंग अपने फादर को हॉस्पिटल में देखती है तो उनको एक कैफेटेरिया में बुलाती, जहाँ पर हे जंग के डैड कहते मुझे खुशी हुई कि तुमने मुझे पहली बार कॉल की। तो हे जंग कहती मैं इस वजह से आपको कॉल नहीं करी क्योंकि मैं आपसे कोई रिश्ता रखना चाहती हूँ, और वो उनसे कहती है कि मैं एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद वो उनसे कहती है कि मैं जल्दी जियांग से शादी भी कर लूंगी। ये सुनने के बाद हे जंग के फादर खुश होते और वो कहते मैं तुम्हारी नई लाइफ के लिए बहुत खुश हूँ। हे जंग की बातों से हमें समझ में आ जाता है कि हे जंग अपने पापा को पसंद करने लगी है, इसीलिए वो उनकी मदद कर रही है। फिर अगले सीन में शिवू के डैड का वॉल दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वो हे जंग को अपने वॉल में बुलाते हैं, जहाँ पर वो हे जंग से कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी सर्जरी का हिस्सा बनो, तुम्हारी एक गलती से मेरी मौत भी हो सकती है। फिर हे जंग उनसे कहती है मेरे दुश्मन होने से पहले आप मेरे पेशेंट। दूसरे सीन में शिवू दिखाई जाती है जहाँ पर वो परेशान होती है। तभी हम देखते हैं उसके ऑफिस में डॉक्टर यून आते हैं और यहाँ पर वो शिवू को तसल्ली देते हुए कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, सर्जरी अच्छे से होगी, और वो उसे तसल्ली दे ही रहे होते। तभी हम देखते हैं शिवू के ऑफिस अचानक से डॉक्टर यंगकुक आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों को एक साथ देख लेते हैं। फिर वो उनसे कहते हैं कि वो थोड़ी देर बाद आएगा, ये बोलकर वो चला जाता है। डॉक्टर यून भी बाहर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में हम देखते हैं यंगकुक खड़ा होता है। फिर वो डॉक्टर यून को रोकता है और उनसे कहते हैं कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, आपको पता है शिवू आपकी वजह से बहुत हर्ट होती है। तो डॉक्टर यून उससे कहते हैं क्या तुम शिवू को पसंद करते हो। तो डॉक्टर यंगकुक इनकार करते हुए कहते हैं कि वो मेरी सिर्फ दोस्त है। तो डॉक्टर यून उससे कहते हैं मैं शिवू के बड़े भाई की तरह हूँ और मुझे पता है तुम उसे कॉलेज के टाइम से पसंद करते हो। फिर डॉक्टर यून यहाँ पर यंगकुक से कहते हैं उसका अच्छे से ख्याल रखना और उसे कभी हर्ट मत करना, ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर यंगकुक शिवू को एक कैफेटेरिया में लेकर आते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं शिवू उनसे कुछ बोलना चाह रही है। तो डॉक्टर यंगकुक यहाँ पर शिवू का हाथ पकड़ कर उसको बाहर गार्डन में लेकर जाते और यहाँ पर उससे कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पापा की सर्जरी बहुत अच्छे से हो जाएगी। फिर यहाँ पर डॉक्टर यंगकुक शिवू से कहते हैं मैं तुमसे कुछ दिनों से बात कहना चाहता था, मैं तुमको धीरे धीरे तुम्हारा सपोर्ट करते करते मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। और डॉक्टर यंगकुक की बात सुनने के बाद शिवू भी खुश हो जाती। दूसरे सीन में शिवू के डैड का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं किम तय उनके वार्ड में आते और यहाँ पर उनसे समझाते हैं कि हे जंग भी काफी अच्छी डॉक्टर है और आपने उसको असिस्ट करने से क्यों मना कर दिया है, और शिवू भी उनकी ये सारी बातें सुन नहीं होती। फिर हम देखते हैं शिवू हे जंग के घर जाते
जाती है। यहाँ पर वो कहती है, मेरे पापा थोड़े से डर रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पापा की सर्जरी में असिस्ट करो। रही जिंग उसकी बातें सुनती रहती। अगले सीन में हम देखते हैं शिवू के डैड अपने बेटे से मिलने जाते, जहाँ पर वो कहते हैं तुम्हें जियांग से सर्जरी करानी चाहिए और तुम्हारे असिस्टेंट से क्या फर्क पड़ता है। जहाँ पर हम देखते हैं शिवू के डैड रोते हुए कहते हैं कि सर्जरी के बाद मुझे लगता है मैं पैरालिस भी हो सकता हूँ, मेरी सर्जरी बहुत क्रिटिकल होने वाली। यहाँ पर हम देखते हैं शिवू के डैड बहुत रो रहे होते हैं और उसके दादा उसको समझा रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं ही जंग को शिवू के डैड अपने वार्ड में बुलाते हैं और यहाँ पर उससे कहते हैं, अगर तुम मेरी सर्जरी में असिस्ट करना चाहती हो तो मैं तुमको मना नहीं करने वाला, और मुझे पता है तुम्हारी एक गलती से मेरी मौत भी हो सकती है और तुम समझ सकती हो कि तुम डॉक्टर हो तो कोई गलती मत करना। तो ही जंग कहती है, मैंने पहले ही कहा था कि आप मेरे पेशेंट हैं और मैं पेशेंट को दुश्मन की तरह नहीं समझ सकती हूँ, और आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मैं कोई भी गड़बड़ी नहीं करूँगी और न ही कोई मिस्टेक करूँगी। मैं उम्मीद करूँगी कि आप बिल्कुल सही सलामत सर्जरी के बाद हों। फिर अगला सीन हमें सर्जरी का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं शिवू के डैड की सर्जरी स्टार्ट हो जाती है और सभी लोग सर्जरी रूम में पहुँच जाते हैं। सर्जरी स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर हम देखते हैं सभी डॉक्टर ईयर रूम से देख रहे होते हैं और दूसरी तरफ से हम देखते हैं जियांग सर्जरी कर रहे होते हैं। सर्जरी में हम देखते हैं ब्लीडिंग ज्यादा होने लगती है तो सभी डॉक्टर उनको सर्जरी रोकने के लिए कहते हैं, जहां पर हम देखते हैं सभी डॉक्टर ईयर रूम से देख रहे होते हैं तो जियांग उनकी बात नहीं सुनते हैं और अपनी सर्जरी करते रहते हैं। जहां पर हम देखते हैं सर्जरी पूरी हो जाती है और ये देखकर सभी डॉक्टर खुश हो जाते हैं। फिर सर्जरी खत्म होने के बाद जियांग और ही जंग शिवू की माँ को बताते हैं सर्जरी काफी अच्छी से हुई और उन्हें अभी होश नहीं आया है, और होश आने के बाद शायद उनकी बॉडी को पैरालिसिस भी हो सकता है। दूसरा सीन हमें दिखाया जाता है चनसुन के रेस्टोरेंट का, जहाँ पर हम देखते हैं सभी डॉक्टर सर्जरी के बाद वहाँ पर डिनर कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जंग के पास एक फोन आता है हॉस्पिटल से। फिर ही जंग सभी डॉक्टरों को हॉस्पिटल चलने के लिए बोलती है। फिर ही जंग उसी पेशेंट को फोन करती है और उससे बताती है कि आज उसकी वाइफ की डिलीवरी डेट है। जहाँ पर हमें सीन दिखाया जाता है सर्जरी रूम का, सर्जरी रूम में हम देखते हैं वेंटिलेटर वाली पेशेंट एक बेबी को जन्म देती है। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और ये सीन काफी इमोशनल होता है, जहाँ पर हमें बेबी दिखाया जाता है और सारे डॉक्टर बहुत खुश होते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं जंग को देखकर रोना आ जाता है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को जन्म देने के लिए जिंदगी से लड़ रही होती। फिर हम देखते हैं उस पेशेंट का हस्बैंड आता है, जहाँ पर वो अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है, उसका बेबी हिल रहा होता है। ये देखकर वो बहुत इमोशनल होता है। तभी इमरजेंसी रूम से फोन आता है और सभी लोग इमरजेंसी रूम तरफ भागते हैं। इमरजेंसी रूम से फोन आता है कि उस लड़के की वाइफ यहाँ पर होश में आ रही है। तभी हम देखते हैं सभी लोग जैसे ही पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो लड़का अपनी वाइफ से आई लव यू बोलता है और वो अपनी वाइफ का हाथ पकड़ कर रोने लगता है। तभी हम देखते हैं सभी डॉक्टर वहाँ पर उसकी डेथ अनाउंस करते हैं और बताते हैं कि पेशेंट की मौत हो चुकी है। ये देखकर सभी लोग वहाँ पर रोने लगते हैं और वो लड़का अपनी वाइफ को देखकर बहुत रो रहा होता, और हमें ही जंग का दिखाया जाता है जहाँ पर वो भी काफी अफसोस में होती है। फिर सीन हमें कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट यहाँ पर किम ताई बन जाते हैं और ये देखकर सभी लोग खुश होते हैं। जहाँ पर किम ताई एक अच्छी स्पीच देते हैं और वो कहते हैं वो अपने हॉस्पिटल को आगे बढ़ाने में काफी मदद करेंगे और वो अच्छे से काम करेंगे। फिर अगले सीन में शिवू के डैड के वॉल्ड दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो ही जंग को अपने वॉल्ड में बुलाते हैं और यहाँ पर वो उनसे कहते हैं मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं सर्जरी के बाद उन्हें पैरालिसिस भी नहीं होता है, ये देखकर वो और भी ज्यादा खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं शिवू के डैड ही जंग से माफी मांगते और कहते हैं तुम्हारी दादी वाली सर्जरी के दिन मुझसे एक गलती हो गई थी, उसके लिए तो मुझे माफ कर सकती हो। फिर हम देखते हैं ही जंग उन्हें माफ कर देती है। तभी ही जंग के पास जियांग का फोन आता है और वो उसे एक जगह पे बुलाते हैं। फिर जियांग से जब मिलने ही जंग जाती है तो देखती है कि रास्ते में सब फूल बिछे होते हैं, ये देखकर ही जंग बहुत खुश होती है। तभी हम देखते हैं जियांग ही जंग को शादी के लिए प्रपोज करते हैं और उसे फिंगर रिंग भी देते हैं, और ही जंग वो फिंगर रिंग पहन लेती है, जहाँ पर वो शादी के लिए हाँ बोल देती है। और हम देखते हैं हमारा फाइनल एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।